दोस्तों बीएमसी मुंबई ने स्ट्रीट डॉग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे हर स्ट्रीट डॉग को एक नाम मिलेगा, उनको एक पहचान मिलेगी, एक हिसाब से उनका एक आधार कार्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये समझ लीजिए जैसे हमारा आधार कार्ड है उसी तरह से अब डॉग्स का भी आधार कार्ड होने वाला है जो कि मुंबई के अंदर रहते हैं। मुंबई की दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके अंदर वो रेडियम पर कॉलर पहनाएंगे सभी स्ट्रीट डॉग्स को। उसके अंदर एक टैग लगा होगा, उस टैग के ऊपर एक QR कोड होगा, उस QR कोड को एक ID दी जाएगी। जैसे ही कोई भी व्यूअर या कोई भी पर्सन उस QR कोड को स्कैन करेगा तो उस QR कोड से रिलेटेड सारी डिटेल जो है उसके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगी। अब वो डॉग का QR कोड है तो डॉग की सारी डिटेल आ जाएंगी, जैसे डॉग का नाम क्या है, ये किस एरिया का डॉग है, इसका वैक्सीनेशन कब हुआ था लास्ट, इसकी नसबंदी हुई है या नहीं हुई है, ये सारी डिटेल जो है दोस्तों आपके मोबाइल में आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है उनकी नसबंदी भी आसानी से हो पाएगी और साथ ही जो वैक्सीनेशन इनका ड्यू होगा उनका वैक्सीनेशन भी आराम से हो पाएगा। अगर इनकेस आपको कोई डॉग काट लेता है तो आप उसका QR कोड स्कैन करके देख सकते हैं क्या वो वैक्सीनेटेड डॉग है या नॉन वैक्सीनेटेड डॉग है, क्या उसको कोई डिजीज तो नहीं है। ये सारी चीजें हो जाने से दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को फायदा होने वाला है। ये तो दोस्तों हो गया QR कोड का फायदा। अब रेडियम का कॉलर पहनाने का क्या फायदा है दोस्तों? रेडियम का कॉलर पहनाने का फायदा हम ही लोगों के लिए है। रेडियम का कॉलर इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं रात को एनिमल्स की वजह से, डॉग्स की वजह से, वो एक्सीडेंट जो है उनको रोका जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉग कभी कभी फूड को ढूंढते ढूंढते रोड पे चला जाता है और वो वहीं पे बैठ जाता है, कभी कभी वो रोड के बीचों बीच बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि बड़े वाहन या कार वगैरह को जो होता है डॉग नहीं दिखता है। जब वो बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं उस स्थिति में उनको देखता है तो वो हिट कर जाते हैं डॉग को, डॉग की जान चली जाती है। कभी कभी जो होता है दोस्तों जो कार चालक होते हैं या बड़े वाहन चालक होते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो डॉग्स की जान को बचाने के लिए दोस्तों ये रेडियम का कॉलर पहनाया गया है। अगर रेडियम का कॉलर पहना हुआ डॉग रात को स्ट्रीट पे जाके कहीं भी बैठता है तो उनको दूर से दिख जाएगा कि वहां पे कोई ना कोई एनिमल है या डॉग है या कोई ऐसी चीज है जिससे हमें जो है बचा के चलना है अपनी कार को भी और उसको भी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो बीएमसी ने प्लान बनाया है बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कारगर होगा और ये प्लान जो है दोस्तों इम्प्लीमेंट में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी कागजी तौर पर, ये दोस्तों 17 जुलाई को इम्प्लीमेंट में लाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक के जो एरिया है वहां पे 20 डॉग्स को ये टैग पहनाया गया है और उनको QR कोड भी दिया गया है, उनका वैक्सीनेशन भी किया गया है। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि ये पहल हो चुकी है। मेरे हिसाब से हर स्टेट को जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए और जो है ये ऐसा प्रोसीजर है कि इससे हम हर स्ट्रीट डॉग को मॉनिटरिंग कर सकते हैं उनकी, कि उनको कोई डिजीज है या नहीं है, उनका वैक्सीनेशन कब हुआ, और स्ट्रीट डॉग की हर चीज दोस्तों आराम से हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो भी जो है दोस्तों इस प्लान के बारे में देखें और अपने अपने स्टेट्स में जो है इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही सुपीरियर प्लान था स्ट्रीट डॉग्स के लिए। इस तरह से जो है हम हर स्ट्रीट डॉग को मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका वैक्सीनेशन कब हुआ है, उनकी नसबंदी हुई है या नहीं हुई है, या उनको कोई डिजीज तो नहीं है, या उनका वैक्सीनेशन कब ड्यू हो रहा है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों।